We're going to the moon. Only validates the Series 1 lunar lander design. It represents the completion of a series of successes for iSpace. The verification of our communication. 25 April 2023 जापान की आईस्पेस कंपनी का हकुटो आर मिशन का लैंडर चंद्रमा की सतह से पहले ही फेल हो गया। आईस्पेस के फाउंडर तकाशी का कहना है इसकी हाईली पॉसिबिलिटी है हकुटो आर मिशन का लैंडर चंद्रमा की सरफेस पर हार्ड लैंडिंग किया होगा। प्राइमरी एनालिसिस ये आ रहा है सामने कि लॉस्ट ऑफ प्रोपेलेंट सिग्नल जिसकी वजह से इसकी लास्ट स्टेज लैंडिंग हार्ड लैंडिंग हुई है। आइए जानते हैं इस मिशन की कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में। 10 सितंबर 2010 आईस्पेस कंपनी की नींव रखी जाती है जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। सीईओ फाउंडर ताकेशी ने जापान की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी जो कि कॉमर्शियल लूनर लैंडर और रोवर बनाने का काम करती है। कंपनी ने सुरेतो नाम के डेवलपमेंट के लिए गूगल लूनर एक्स प्राइज जीता है। 11 दिसंबर 2022 हकुटो आर मिशन फर्स्ट फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू अमीरात लूनर मिशन और नासा लूनर फ्लैश लाइट स्पेसक्राफ्ट के साथ ये मिशन स्टार्ट होता है जिसका सेंटर निहोन बशी टोक्यो बनाया जाता है। इस प्रकार हकुटो आर मिशन 1 का लैंडर लंबी दूरी तय करने के बाद 21 मार्च 2023 को चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार साइंटिस्टों द्वारा 25 अप्रैल 2023 को हकुटो आर मिशन लैंडर के लैंडिंग की शेड्यूल डेट डिसाइड की जाती है। प्रोपेलेंट फ्यूल सिग्नल लॉस्ट की वजह से हकुटो आर मिशन का लैंडर चंद्रमा की सरफेस पर लैंडिंग में फेल हो जाता है।